हेलो गाइस, वेलकम टू डॉग डाटा चैनल। आज हम जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं। इनका ओरिजिन जर्मनी से है और इन्हें कैप्टन मैक्स वॉन स्टेप हैनिस ने ब्रीड किया था एज अ हर्डिंग डॉग। हाइट मेल में 24 to 26 inches, फीमेल 22 to 24 inches। वेट मेल 30 to 40 kg, फीमेल 22 to 32 kg। और गाइस, इनके तीन कोट होते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट, लॉन्ग कोट। और गाइज, अगर आप इन्हें ट्रेंड करते हैं तो गाइज ये आपके लिए बेस्ट कंपेनियन बन सकते हैं। गाइज आप इन्हें अगर बेसिक ट्रेनिंग भी देंगे, जैसे हेलो, हाय, सिट, हाई फाई, कम, लाई डाउन, तब भी गाइज ये आपके लिए बेस्ट कंपेनियन बन सकते हैं। और गाइज ये आपकी और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव डॉग ब्रीड है। जब तक ये डॉग ब्रीड है गाइज, आपके ऊपर कोई बंदा अटैक करने की सोच नहीं सकता। और गाइज अगर कोई करेगा भी तो गाइज ये उसकी हड्डी इजीली तोड़ देंगे। लेकिन गाइज ये बाकी डॉग ब्रीड से ज़्यादा शेड करते हैं। और गाइज ये किड्स के साथ भी फ्रेंडली हो सकते हैं, लेकिन गाइज ज़्यादा छोटे किड्स के साथ नहीं, क्योंकि गाइज इनका थोड़ा गार्ड नेचर होता है। और गाइज जो छोटे किड्स होते हैं गाइज, वो इनके कान वान खींचेंगे तो वो इन्हें पसंद नहीं आएगा और शायद ये उन्हें काट भी सकते हैं गाइज। गाइज जर्मन शेफर्ड के कान जो होते हैं गाइज, जब वो बोन होते हैं तो गाइज उनके कान बैठे हुए होते हैं। गाइज उनके जो कान खड़े होते हैं गाइज, वो जब गाइज वो 4-5 months के होते हैं तब कान उनके खड़े होते हैं। और गाइज जर्मन शेफर्ड बहुत अच्छे गार्ड डॉग भी हैं। गाइज जर्मन शेफर्ड की बाइट फोर्स होती है 238 PSI गाइज, जो कि एकदम हड्डियां तोड़ सकती है। अभी गाइज हम जर्मन शेफर्ड की पॉजिटिव थिंग और गाइज नेगेटिव थिंग के बारे में बात करने वाले हैं। गाइज लॉयल होते हैं, लेकिन गाइज बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए होती है गाइज उन्हें काम करने के लिए। गाइज हाई एनर्जी होते हैं, लेकिन गाइज एग्रेसिव हो सकते हैं अदर डॉग्स और गाइज पैट्स के ऊपर अगर गाइज सोशलाइज प्रॉपरली नहीं होते। और गाइज पॉजिटिव प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स फैमिली, लेकिन गाइज इनको एक केयरफुल सोशलाइजिंग की ज़रूरत होती है। पॉजिटिव ईजी टू ट्रेंड, गाइज ये बहुत जल्दी ईजी टू ट्रेंड हो जाते हैं गाइज, क्योंकि गाइज इनमें इंटेलिजेंस इतनी होती है और गाइज इनकी बाकी डॉग से ज़्यादा IQ होती है। गाइज सिंगल कोट जर्मन शेफर्ड तो गाइज कूल और गाइज जो समर, गाइज इंडिया का समर वेदर है गाइज, उसमें इजीली रह लेते हैं। लेकिन गाइज जो लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड होते हैं गाइज, वो गाइज बिल्कुल नहीं रह सकते समर में। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं रह सकते गाइज, जैसे दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है तो गाइज उधर के लिए लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड और साइबेरियन हस्की, अलास्कन मालाम्यू गाइज, ये सब डॉग ब्रीड नहीं बनी है गाइज, लेकिन फिर भी गाइज बंदे ये डॉग ब्रीड पाल लेते हैं। और गाइज इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है 9 to 13 years। और गाइज इनका टेम्परमेंट ओबीडियंट, इंटेलिजेंट, क्यूरियस, अलर्ट, लॉयल, कॉन्फिडेंट, करेजियस एंड वॉचफुल। और गाइज अगर आप जर्मन शेफर्ड का पपी एडोप्ट करना चाहते हैं तो गाइज इनकी बेस्ट एज है 7 to 8 weeks old। गाइज इतने में आप ये पपी ले सकते हैं गाइज, ज़्यादा छोटा लेंगे तो गाइज उसको गाइज अपनी मदर के मिल्क से गाइज प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएंगे, इसलिए गाइज वो थोड़े से अनहेल्दी भी हो सकते हैं और गाइज बहुत जल्दी बीमार भी पड़ सकते हैं। और गाइज अगर आप एक एक्टिव पर्सन हो तो ही ये डॉग ब्रीड को लें गाइज, क्योंकि गाइज अगर आप अनएक्टिव हो गाइज, थोड़े से लेजी हो तो गाइज ये डॉग ब्रीड को नहीं ले गाइज, क्योंकि इन्हें गाइज 3 times वॉक पे ले जाना होता है गाइज, हर एक वॉक गाइज 1-1 घंटे की होनी चाहिए। और गाइज अगर आपके पास गाइज 2 BHK और 3 BHK का हाउस है तो गाइज आप इन्हें नहीं पाल सकते। अगर हाँ गाइज 3 BHK और 2 BHK के हाउस के पीछे गाइज बहुत बड़ा बैकयार्ड है तो गाइज आप इन्हें पाल सकते हैं गाइज, क्योंकि गाइज आप इन्हें बैकयार्ड पे पीछे खुला भी छोड़ सकते हैं गाइज, उधर इनकी एनर्जी गाइज वेस्ट भी होती रहेगी गाइज, इससे वो थोड़े से एग्रेसिव नहीं हो पाएंगे गाइज। अगर किसी भी डॉग की एनर्जी वेस्ट नहीं हो पाती तो गाइज वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं गाइज। जो जर्मन शेफर्ड में बीमारी देखी जाती है गाइज, उससे बहुत ज़्यादा जर्मन शेफर्ड मरते हैं। उस बीमारी का नाम है गाइज कैंसर ऑफ द स्प्लीन एंड बोन कैंसर। गाइज ये बोन कैंसर जो जर्मन शेफर्ड की लाइफ स्पैन होती है गाइज, उसको गाइज ये कम करता रहता है।